भाजपा वाले जमीन से जुड़कर रहते हैं। देखिए ये लोग बैठे हुए हैं नीचे, क्या है? और ये हम लोग के उत्तर कोई नहर दे दे, अच्छा वही हम लोग के ज्यादा है। तो उद्घाटन हुआ था ना, पानी कहाँ है, उत्तर कोई नहर दे देंगे बस हम लोग के क्षेत्र का विकास हो जाएगा। विकास होगा तो उत्तर कोई नहर का जब जब चुनाव आता है लोकसभा का चुनाव तभी उद्घाटन होता है। पिछले बार भी उद्घाटन किया गया था। उद्घाटन तो हमेशा होता है लेकिन पानी देने रही हम लोग नहर, अच्छा उत्तर कोई नहर दे तो बहुत ज्यादा फायदा होगी। वही एक दो साल से तो हम लोग मर रहा है, न धान हो रहा है न कुछ हो रहा है। आज अभी पानी पड़ गया तो मसूर चना सब खत्म हो गई, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, सब फसल बर्बाद हो गया, सब मसूर चना एकदम बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया पानी के कारण, पानी के कारण एकदम बर्बाद हो गया। एक हो के 10-10 बीघा 15 बीघा में मसूर बुने हुए था, सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ समाप्त, सब एकदम। बोलते हैं किसानों के हित में कार्य करती है भाजपा, भाजपा किसानों के हित में कार्य करती है। तो बरसात पानी वाले के तो कुछ भी नहीं कर सकता है, वो तो कोई भी ऊपर वाले देन में, लेकिन और तो कोई कुछ कर नहीं सकता है। तो क्या लगता है उत्तर कोई नहर चालू हो जाएगा? उत्तर कोई नहर चालू हो गई तो गया जिला औरंगाबाद इसका पूरे एकदम सिंचाई की सुविधा चालू हो जाना चालू होगा तब। ऐसे चालू नहीं होगा तो हम लोग तो दूसरे साल भी अभी धान नहीं हुआ, आगे साल भी नहीं हुआ, इस बार भी नहीं हुआ, समाप्त। मोदी जी के औरंगाबाद के धरती पर आने से हम लोग सभी जनता बहुत उत्साहित है और 2024 के केंद्रीय जो चुनाव होने वाला है उसमें वे पूर्ण बहुमत से भारत में सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन मेरा भी कहना है, मैं भी एक किसान हूँ और सरपंच भी है, इस नाते से कहूँगा कि कोई नहर तो परियोजना जो औरंगाबाद और गया के लिए है, अधूरा जो पड़ा हुआ है उसे अविलंब अगर चालू कर देते हैं मोदी जी तो सभी किसान भाइयों में बेजोड़ खुशहाली आ जाएगा। और यह सिर्फ जो भाजपा के लिए है वह हमेशा के लिए बरकरार रहेगा, इसमें दो मत की बात नहीं है। अब पूरे जनता औरंगाबाद के खुश है, जो आज देख रहे हैं ये भीड़ से पता चल रहा है कि फिर से औरंगाबाद में सांसद भाजपा के ही बनेगा और केंद्र में भी भारत सरकार बनेगी, कोई दो मत की बात नहीं है। हम लोग बहुत आपकी बार कहा थे कि 400 पार, आपकी बार कहा थे कि 400 पार लोकसभा में 40 पार, पार का 545 आवेगा। हाँ एकदम लग रहा है, कहा तो किसान के हित में कहा थे ना, कहा किसान के हित में खूब कर रहे हैं। हम लोग को कम से कम प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना से 2-2 हजार प्रत्येक 4 महीना पर आ रहा है, सब लोग खुशहाल है। नहीं किसान को खूब दे रहे हैं, बढ़ोतरी हो रहा है, टैक्सों तो महंगा कर दिया और सब मैंने किसान के हाल में हर हाल में सब ठीक ठाक।